छत्तीसगढ़ में जब से दोनों चरणों की वोटिंग खत्म हुई है तब से अलग अलग न्यूज चैनल्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपके पास लगातार अलग किस्म के विश्लेषण लेकर आ रहे हैं। आज का हमारा विश्लेषण भी ऐसे ही दिलचस्प होगा। हमारा विश्लेषण इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि एक नए आंकड़े के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। नमस्कार, जय जौहान, मेरा नाम सुमी राजपन है। मैं आपका स्वागत करती हूं तहे दिल से छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस खास एपिसोड में। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से इस बार जो देखा गया महिला वोटर्स मेल वोटर्स की अपेक्षा ज्यादा थे और उन्होंने बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा भी लिया 2018 की अपेक्षा। और हमने ये भी देखा कि आदिवासी जितने भी सीट हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा। लेकिन आज का दिलचस्प विश्लेषण इस मुद्दे पर है कि किस तरह उन सीटों पर वोटिंग की बढ़ोतरी हुई जहां पे नए चेहरों को उतारा गया कांग्रेस और बीजेपी द्वारा। ये अपने आप में दिलचस्प इसलिए है क्योंकि लगातार इस चीज पर काफी ज्यादा उधेड़ बुन में थी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी का कह लो या कांग्रेस, दोनों ही उधेड़ बुन में थी इस चीज को लेकर कि किस तरह से इस बार नए चेहरों को उतारना बहुत ज्यादा जरूरी था। और जो नए चेहरे हैं वो इसलिए दोनों पार्टीज के लिए इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा खासा मैसेज ये दे दिया था अपनी लिस्ट निकालकर, कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालकर, कि उन्होंने इस बार नए चेहरों पर दाव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही अपना एक लिस्ट निकालकर कुल मिला के 40 से ज्यादा उनके चेहरे थे जो नए थे। और बीजेपी ने भी ये दांव खेलने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने आप देखेंगे अंत में इवेंचुअली उन्होंने भी यही किया कि अपने पुराने चेहरों को उन्होंने उतारा, जैसे कि बृजमोहन अग्रवाल कह लो, अजय चंद्राकर कह लो, या ऐसे जो उनके पुराने धुरंधर नेता थे उनको भी उतारा। और एक मिक्स्ड बैग की तरह, जैसे एक मिक्स्ड, आप देखेंगे कि नए चेहरों के साथ साथ उन्होंने पुराने चेहरों पर भी अपना भरोसा रखा। लेकिन जो मतदान प्रतिशत है वो इस बार काफी इंटरेस्टिंग इसलिए रहा क्योंकि जहां पे भी नए चेहरे थे वहां पर बढ़ोतरी आई है मतदान प्रतिशत में। 2018 की बात करें तो कौन कौन से ऐसे आदिवासी चेहरे हैं और कौन कौन से ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पे डिफरेंस आया, हम इसके आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे दंतेवाड़ा की बात करें तो दंतेवाड़ा में 9.26% की वोटों में बढ़ोतरी आई है, बलौदाबाजार में 1.89% की, जयजयपुर की बात करें जो जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है उसमें 1.55% की, सामरी की बात करें तो 1.29% और कसडोल की बात करें तो 0.88% का ये डिफरेंस आया है। ये 2018 की अपेक्षा इतना वोटिंग में बढ़ोतरी हुई है। और इन सारे जगहों पे बीजेपी कह लो या कांग्रेस कह लो, इन दोनों ने अपने नए चेहरों को उतारा था। आपको याद होगा हमने इस चीज का विश्लेषण भी किया था कि किस तरह से दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं नए चेहरे और किस तरह से वो अपना दांव खेलेंगे, किस तरह से वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा। और इसी तरीके से जो मतदाताओं के बीच में जो एक नया उत्साह देखने को मिला इस बार, वो इस भी वजह से देखने को मिला कि महिलाएं इस बार बढ़ चढ़ कर आई हैं, आदिवासी क्षेत्रों में काफी बढ़ चढ़ के इस बार वोटिंग हुई है, लेकिन नए चेहरों को भी देखने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्सुक थे। अब वो पुराने चेहरे जो वो 23 साल से लोग पुराने चेहरों को देखते हुए आए हैं, उनकी उत्साह जो उसका उत्साह का एक रीजन ये भी था कि ये जो नया चेहरा है ये किस तरह से काम करेगा, इस नए चेहरे पे दाव खेलना जरूरी होगा या नहीं होगा या कितना उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि लोग इस बार नए चेहरों के साथ उतरे। लेकिन अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी मैटर नहीं जाता, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जाता जिसपे पॉलिटिक्स ना हो। तो इसपे जब कांग्रेस से यह सवाल पूछा गया कि इस बार नए चेहरों पर लोगों का जो उत्साह है वो ज्यादा देखने को मिला, तो कांग्रेस ने इस तरह से इस पर अपना निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा और कहा कि इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बार काफी इंपॉर्टेंट रहा और कांग्रेस का जो विकास कार्य था जो पिछले 5 साल चला वो भी एक रीजन था कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ के आया। आइए सुनते हैं कांग्रेस ने क्या कहा। देखिए, पूरे प्रदेश में अगर वोटिंग के प्रतिशत को आप निकालते हैं तो संतोषजनक है। कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है जिसमें किसानों के लिए योजनाएं बताई गई है, महिलाओं के लिए योजना है, इस प्रदेश को लेकर योजनाएं बनाई गई, उससे मतदाता का रुझान है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के जो 5 साल के काम है उसके प्रति जनता का जो भरोसा विश्वास है, तो पूरे प्रदेश में मतदान का प्रतिशत देखते हैं तो बराबर है, पिछले की तुलना मतदान ज़्यादा ही हुआ है और मतदाता भी बढ़े हुए हैं, तो प्रतिशत का रेशो आप निकालते हैं तो ठीक ही है, वो किसी में कम ज़्यादा की बात ही नहीं। लेकिन नए चेहरे में 53% तक वोटिंग हुई है जहाँ नए चेहरे मतदान प्रत्याशी हैं और पुराने में 5% तक की वोटिंग कम हुई है, तो क्या युवा जो नए फेस हैं उन पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं? थोड़ा सा फर्क जरूर से पड़ा हुआ है, जहाँ नए प्रत्याशी हैं, जहाँ नए चेहरे हैं वहाँ पे जरूर
थोड़े से मतदान के प्रतिशत बढ़े हैं, उसका कारण भी है कि जहाँ पे मतदान के प्रतिशत बढ़े हैं उस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता की संख्या भी बढ़ी है, तो दोनों उसका कारण है। और कांग्रेस का घोषणा पत्र इसका मूल कारण है और भूपेश बघेल सरकार की योजनाएं इसका मूल कारण है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यों को क्रेडिट दे दिया, उसी तरह अब बीजेपी ने इस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के ये कहा कि अब आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है कांग्रेस में। कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक जो आप कहते हैं वो डिसअपॉइंटमेंट है, जो एक सैडनेस है वो नजर आ रहा है। जब से पोलिंग खत्म हुई है तब से छत्तीसगढ़ का जो माहौल है वो बदल गया है, और उसकी वजह जहां पे कांग्रेस कह रही है कि नए चेहरों में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, वही बीजेपी कह रही है कि इनमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आई है। इस बात का क्या तुक बनता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बीजेपी वालों ने क्या कहा। अगर कांग्रेस को इतना ही आत्मविश्वास है तो वो एक तरफ 75 पार का नारा देके फिर अपने प्रत्याशियों से ये क्यों कहते हैं कि भैया आप प्रमाण पत्र लेके हमारे पास आ जाना, उनको छुपाना, उनके लिए अन्य व्यवस्थाएं करना, ये सब कांग्रेस की रणनीति क्यों चल रही है? उन्हें मालूम है कि उन्हें बहुमत नहीं मिल रहा, तो ये दोहरे बयान देने का अब कोई अर्थ नहीं है। जनता ने वोट कर दिया है, युवाओं ने उनके साथ हुए अत्याचार, पीएससी घोटाले और अपने भविष्य को निखारने के लिए वोट किया है, महिलाओं ने महतारी वंदन योजना से प्रभावित होकर अपने सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए वोट किया है, किसानों ने एकमुश्त राशि पाने, 2 साल का बोनस लेने के लिए, 3100 रुपए का समर्थन मूल्य पाने के लिए वोट किया है, और अब छत्तीसगढ़ फिर से विकास की राह पर चलने लगेगा। 3 दिसंबर को ये जो 5 साल का कुशासन चला है उसका अंत होगा, और जितने छत्तीसगढ़ के मतदाताएं हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, वो सभी भारी संख्या में मतदान करने के लिए अभिनंदन की पात्र हैं। जिस तरह से इस पर भी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सभी को इंतजार, भले कितने भी राजनीति हो जाए, सभी को इंतजार 3 तारीख का है, भले वो पॉलिटिकल पार्टी हो या छत्तीसगढ़ की पूरी जनता हो, मेरे और आप जैसे लोग हो, सभी को 3 तारीख का इंतजार है। कितना किसके लिए समीकरण काम किया, कितना महिला वोटर्स के ज्यादा वोट करने से किस पार्टी को फायदा पहुंचा, कितना आदिवासी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ जाने से फायदा पहुंचा और कितना नए चेहरों पर लोगों ने अपना भरोसा जताया है, ये सारा फैसला 3 तारीख को ही होगा। हमें और आपको हम छत्तीसगढ़ तक पर लगातार उस दिन लाइव रहेंगे, आके छत्तीसगढ़ तक पर जुड़िएगा। 3 तारीख को छत्तीसगढ़ की किस्मत भी सबके सामने आ जाएगी कि किस तरह से अगले 5 साल निकलेंगे छत्तीसगढ़ के। क्या बीजेपी वापस 15 साल के बाद, 2018 के बाद क्या बीजेपी वापस आ पाएगी या कांग्रेस रिपीट कर पाएगी अपनी सरकार, ये इसका इंतजार हम सभी को रहेगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही, बने रहिए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक के साथ, और राउंड अप पे अपना प्यार लुटाते रहिए, फीडबैक भेजते रहिए, हम लगातार आपका फीडबैक पढ़ते हैं और उसे अमल में लाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवाहर।